तो दोस्तों आपने देख लिया है ये फेस वॉश कैसे वर्क करता है, आप मेरे फेस पे वो देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि आपको ये फेस वॉश कैसे बनाना है। दोस्तों आप देख सकते हो इतनी गर्मी ने मेरे फेस की बैंड बजा दी है, बिल्कुल पसीने से भीगा हुआ है मेरा चेहरा। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ इस गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा फेस वॉश जो होम मेड है। 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा वो फेस वॉश। तो ये फेस वॉश आप होम मेड है, इसे आप घर में आसानी से बना सकते हो और ये तुरंत आपके फेस पर असर करके दिखाएगा। एंड मैं अभी ये फेस वॉश अपने फेस पे अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगी। ये फेस वॉश बिल्कुल भी इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, घर का बना फेस वॉश है और ये नहीं कि बहुत जल्दी ख़राब होने वाला है। जैसे मार्केट का फेस वॉश है सेम ये फेस वॉश चलने वाला है, आप इसे आसानी से बाहर भी रख के यूज कर सकते हो। तो मैं ये फेस वॉश यूज करने वाली हूँ अपने फेस पर और आपको बता दूँ अगर आपको कोई भी फेस वॉश मार्केट का सूट नहीं करता है तो इसे ज़रूर बनाइए और ये हर स्किन टाइप के लिए बेस्ट है। तो आप देख सकते हो मेरा फेस जो है इस वक्त पसीने से भीगा हुआ है। मैं हो गई 2 से 3 घंटे हो गए मैंने कोई भी फेस वॉश नहीं किया है, पानी तक फेस पे नहीं लगाया है और फेस वॉश करना था इसलिए मैं ऐसे ही आप लोग के सामने आ गई हूँ। तो ये कैसे ये जो ऑयल है पसीना है इसे कैसे मेरे फेस से निकालता है एंड कितना क्लीन लगता है मेरा फेस इसको यूज करने के बाद आज आप लाइव देखोगे। तो चलो सबसे पहले ना मैं अपने फेस को ही क्लीन करके आपको दिखाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि आपको ये फेस वॉश कैसे बनाना है। फेस वॉश करने के लिए पहले मैंने अपने फेस को पानी से गीला कर लिया है। दोस्तों आप चाहो तो यहाँ गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे जो हमारे पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और गंदगी बाहर आ जाएगी। ये देखिए मैंने फेस वॉश ले लिया है, मैंने उतनी ही मात्रा ली है जितनी मात्रा आप मार्केट के फेस वॉश को लेते हो और बिल्कुल ये मार्केट के फेस वॉश की तरह वर्क कर रहा है। आप देख लो कितना अच्छा झाग जो है मेरे फेस पर आपको देखने को मिल रहा है, आपको लग नहीं रहा होगा कि ये घर का बना हुआ फेस वॉश है। बहुत ही अच्छा झाग देता है और ऑयल को आपके चेहरे से बिल्कुल हटा देता है। तो आपको फेस वॉश करने के लिए 1 मिनट तक सर्कुलर मोशन में आपको अपने फेस को मसाज करनी चाहिए जिससे कि जो डर्ट है जो ऑयल है वो निकल जाए। मैंने फेस वॉश कर लिया है उसके बाद जो मेरा फेस है बिल्कुल क्लीन नजर आ रहा है, क्योंकि फेस वॉश करने से पहले मेरा चेहरा बहुत ही काला नजर आ रहा था, बहुत ज्यादा पसीना था गर्मी की वजह से। तो बिल्कुल सारा जो ऑयल है इसने सोख लिया है, एकदम क्लीन कर लिया है और मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन नज़र आ रही है, एकदम ग्लो भी नज़र आ रहा है दोस्तों। और जो मेरी स्किन आपको बता दूँ बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। अगर कोई भी फेस वॉश आप करते हो तो उसके बाद एकदम से खिंची खिंची सी स्किन ड्राई ड्राई से नज़र आ रही है, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये फेस वॉश बहुत ही कमाल का है। 1 मिनट दोस्तों, ये फेस वॉश बहुत ही कमाल का है और इससे बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो दोस्तों आपने देख लिया है ये फेस वॉश कैसे वर्क करता है, आप मेरे फेस पे वो देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि आपको ये फेस वॉश कैसे बनाना है, लेकिन आगे का वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे से रेड कलर का बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे क्लिक कर दो और बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों मैं बता दूँ इस फेस वॉश को बनाते हुए जो भी मैं सामान यूज करूंगी ना वो वीडियो के साथ ही आपको बताती रहूंगी कि आपको क्या क्या इस फेस वॉश में डालना है एंड इस उसके फायदे क्या है हमारे स्किन के लिए, तो वीडियो के साथ ही बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखना, आखिरी तक देखना। तो चलो दोस्तों हम लोग सीखते हैं ये होममेड फेस वॉश बनाना। तो चलो अब हम लोग बनाते हैं फेस वॉश। तो फेस वॉश बनाने के लिए हमें चाहिए सोप बेस। तो सोप बेस के लिए मैं मार्केट का जो सोप बेस मिल जाता है जिससे आप सोप बनाते हो आप ले सकते हो, ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, ये लगभग 200 रुपये का शायद मुझे पड़ा था और ये 900 ग्राम था। तो काफ़ी बार ये यूज हो सकता है, मैंने कई साबुन भी आप लोग के साथ शेयर किए बहुत ही कमाल के हैं। अगर आपने वो साबुन की रेसिपी आपने नहीं देखी है तो आपको वीडियो की लिंक आई बटन पर और इन पर मिल जाएगी। मैं यहाँ पर सोप बेस को यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे पियर साबुन या फिर आप डब साबुन या फिर बेबी जॉनसन का जो साबुन आता है बच्चों वाला जो साबुन आता है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सोप बेस बहुत ही आसानी से कट जाता है और उसे काटने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। तो मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़े इसके कर दिए हैं एंड अब इसको डबल बॉइलिंग सिस्टम जो होता है यानी पानी उबलते हुए पानी में इसको रखेंगे कटोरी में डालकर और उसके बाद ये जो सोप बेस है उसे पिघला लेंगे। करीब 5 मिनट लगता है आपको इस सोप बेस को पिघलने के लिए। दोस्तों यहाँ पर लगभग मैंने 50 ग्राम सोप बेस का इस्तेमाल किया है, इतना काफ़ी है जितना कि मार्केट में 50 ग्राम का एक फेस वॉश का ट्यूब आता है
उतना ही फेस वॉश हमारा बनके तैयार होगा। तो ये देखिए बिल्कुल पिघल गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। दोस्तों हल्दी की मात्रा आप जितना ऐड करोगे ना उतना कलर आएगा। तो यहाँ पे मैंने आधी चम्मच से कम हल्दी ऐड की, फिर भी जो हमारा सोप बेस है वो बिल्कुल रेडनेस आ गई है। तो अगर आप चाहते हो कि इसका रंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो तो बहुत कम हल्दी यूज करो, नहीं तो आप अपने हिसाब से आप हल्दी यूज कर सकते हो। हल्दी बहुत ही अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए, एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ आती है। ये हमारे फेस के मुहासे हैं, एक्ने की प्रॉब्लम है, झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। तो ये हमारा सोप बेस बनके तैयार हो गया है। दोस्तों ये जिस पानी में हमने गर्म किया था इस सोप बेस को बनाने के लिए, उस पानी का लगभग हम लोग आधा कप लेंगे और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। दोस्तों ये जो पानी है इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे जो ऑयल आता है हमारे स्किन पर उसे कंट्रोल करता है, सनबर्न जो हो जाता है, टैनिंग की प्रॉब्लम जो हो जाती है इन गर्मियों में, तो टैनिंग को कम करता है, सनबर्न की प्रॉब्लम की जो झुलस जाती है उसमें ठंडक देता है हमारे फेस को, एंड इसमें एंटी एजिंग और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है। खासकर गर्मियों में जो पिम्पल्स होते हैं ना, उन पिम्पल्स को निकलने से रोक है, क्योंकि ये ऑयल को कंट्रोल करता है। अब ये जो ग्रीन टी वाला पानी है ना, हम इस सोप बेस में मिक्स कर देंगे। दोस्तों सोप बेस तब तक मैं पानी लगाई थी, थोड़ा ठंडा हो गया, तो इसको ना हल्का सा हम लोग हीट करेंगे ना तो बिल्कुल पिघल कर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तो हमारा जो फेस वॉश है बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम मिलाने वाले हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल को। ऑलिव ऑयल में विटामिन ई पाया जाता है और विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। आप चाहो तो यहाँ पर विटामिन ई के कैप्सूल है उसे भी ऐड कर सकते हो, और कोई ऑयल ज़रूर ऐड करिए मॉइस्चराइज के लिए। वैसे ग्लिसरीन इस सिर्फ सोप बेस में है, पर कोई ऑयल ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जल, ये 2 बड़ी चम्मच मैं ऐड करूँगी। जो स्पेशली जो हमारा फेस वॉश है वो है हल्दी और एलोवेरा फेस वॉश। तो हमने यहाँ 2 चम्मच ऐड कर लिए। अब सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे एंड हम लेंगे एक खाली कंटेनर। यहाँ पर मेरा एलोवेरा जल का एक कंटेनर जो है वो खाली हो गया था काफ़ी दिन पहले, एंड मैं इसमें ही इसको करने वाली हूँ, यानी इसमें डालने वाली हूँ। दोस्तों आप देख रहे हो ये काफ़ी लिक्विड है, यानी बिल्कुल फेस वॉश की तरह नहीं लग रहा है, बट ये जब हल्का सा ठंडा होगा, ठंडा होते होते काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, या ये जो खाली कंटेनर है इसमें ये सारा फेस वॉश डाल देंगे। दोस्तों हमारा DIY फेस वॉश बिल्कुल बन के तैयार है। अब मैं इसे अपने हाथों पे यूज करके आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा पानी मैंने अपने हाथों पे लगा लिया है एंड अब थोड़ा सा फेस वॉश ले रही हूँ और अपने हाथों पे इसे यूज कर रही हूँ। आप देख लेना कितना बढ़िया से फेना बनता है एंड कितने अच्छे से मेरे हाथ क्लीन हो चुके हैं। बिल्कुल जो हाथों का कलर भी है वो फेयर नज़र आ रहा है और स्किन ग्लो भी कर रही है। तो दोस्तों इस फेस वॉश को ज़रूर ट्राई करना। तो देखा ना दोस्तों कितना इजी है इस फेस वॉश को बनाना और इसमें कितनी हेल्दी चीज़ें हैं। इसमें है ग्रीन टी है, इसमें है एलोवेरा जेल है, ग्रीन टी है, हल्दी है, ऑलिव ऑयल है, एंड इसमें सोप बेस से बना हुआ है। सोप बेस जो होता है वो ग्लिसरीन से बना होता है, उसमें 100% ग्लिसरीन होती है, कोई भी केमिकल नहीं होता है। अगर आप सोप बेस खरीदना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ना, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। और आप अगर सोप बेस नहीं है आपके पास तो आप जो बेबी साबुन आता है ना बेबी का बच्चों का, तो वो साबुन जॉनसन बेबी या हिमालय का कोई भी आप यूज कर सकते हो, एंड पियर साबुन आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट मैं कहूँगी कि हो सके तो सोप बेस का इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करना, ट्राई करने के बाद आपका क्या अनुभव रहा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और पहली बार चैनल पर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लगी घंटी बता देना, घंटी के साथ आता ऑल का बटन उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों अगर कोई भी टॉपिक है आपका जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं तो मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, मैं बहुत जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो बना के आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। कोई भी सवाल है इस फेस वॉश को लेकर तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना, मैं जरूर इसका रिप्लाई करूंगी। फिलहाल दोस्तों आप मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।